नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने आज एक नई पार्टी का ऐलान किया है और नाम रखा गया है राष्ट्रीय शोषित समाज दल। उसके मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत झा जी हमारे साथ हैं। झा जी, जिस तरीके से आज एक नई पार्टी की और हमने सुना कि अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, उसकी सोच क्या है क्या नहीं है, आप युवा हैं, युवा के रूप में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिल रही है, कैसे देखते हैं बिहार में आने वाले दिन में पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मुझे सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। मैं बिहार की जो सबसे बड़ी युवाओं की समस्या है बेरोजगारी, और वो है शिक्षित बेरोजगारी, कि लोग एक बिहार में चपरासी की सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलता है तो MBA किया हुआ ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का भी उसमें अप्लाई करता है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं बिहार के तमाम बेरोजगार युवाओं को एक मंच के नीचे लाऊंगा और सरकार से, जब तक सत्ता में सरकार है नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी जी की, तब तक हम सरकार से बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम उनके रोजगार की बात करेंगे। 2025 जो अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि 2025 में नई सरकार बनानी है, अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, उससे पहले जो फिलहाल सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा, किस तरीके से पार्टी कर रही है? बिल्कुल, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं पूरे बिहार में पदयात्रा करूंगा, घूमूंगा, जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवा हैं सबसे आग्रह करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि आप ज्वाइन करिए, हमें जुड़िए, और हम एक बहुत जल्द एक नंबर जारी करेंगे कि जो भी युवा बेरोजगार है अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है तो हमारे एक नंबर पे मिस कॉल दे, वॉइस मैसेज करे, हम सरकार को के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। सरकार से भी आग्रह करेंगे कि चुनाव के समय आपने जो भी वायदे किए थे, चाहे केंद्र की सरकार ने वायदे किए थे या राज्य की सरकार ने वायदे किए थे, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आज भी बिहार का युवा सड़कों पर घूम रहा है। मैं आज आ रहा था तो सचिवालय के पास मैंने देखा बहुत सारे युवा तख्ती लहरा रहे थे और प्रशासन उनको रोकने की कोशिश कर रही है, और सरकार की इतनी ज़्यादा हैवानियत बढ़ गई है कि अगर बेरोजगार युवा किसी चीज़ के लिए आंदोलन करता है, अपनी मांग को रखता है, तो सरकार पुलिस उसको पिटवा देती है, बेशर्मी के साथ, बेदर्दी के साथ पिटवाती है। तो हम युवा मोर्चा के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते सारे युवाओं को यूनाइट करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि युवाओं को रोजगार बिहार में दिया जाए। सरकार से रोजगार की मांग रहेगी, और भी कई मुद्दे होंगे जिसको लेकर जब सरकार बनेगी तो उस पर काम होगा, और उससे पहले जितनी भी समस्याएं होंगी बिहार में उसको लेकर सड़कों पर उतरने का काम करेगी राष्ट्रीय शोषित समाज दल। तो हमारे साथ थे इसके मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के रंजीत झा जी, इन्होंने अपनी बातें बताई। DTV भारत पर ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।